हो क्या रहा है वहां? ये क्या दिया है राजकुमारी ने? गुरुदेव, शीघ्र ही कोई मुहूर्त बता दे तो बड़ी कृपा होगी। नंद महाराज, अब क्या नामकरण का मुहूर्त भी मुहूर्त निकाल के बताओगे आप? हैं? क्रोधित क्यों हो रही हो यशोदा? बता तो हूँ, धैर्य धरो। हाथ मुंह धो लिया, जल पी लिया, विश्राम कर लिया, अब कितनी प्रतीक्षा करवाओगे? हैं? मैं सब समझ रही हूँ, आप जान बूझ के मुझे सताने के लिए ना बता रहे। मैया कितनी भोली है बाबा, आप क्यों सता रहे हो उन्हें? बस बस बस, इतना भावुक होने की आवश्यकता ना है। बता तो, पंडित जी ने बताया है एक बहुत ही शुभ मुहूर्त आने वाले सप्ताह में ये है। और जानती हो जिस शुभ मुहूर्त किस दिन पड़ेगा? जिस दिन हमारा लल्ला पूरे 100 दिन का हो जाएगा। इससे अच्छा मुहूर्त तो हो ही नहीं सकता। धन्यवाद गुरुदेव। क्या हुआ गुरुदेव, कुछ समस्या है क्या? जो सत्य सारे संसार को पता है और जो संकेत ये कुंडली दे रही है, दोनों में विरोधाभास है राजन। मैंने कहा ना राजन, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये कुंडली मुझसे कह रही है कि आपके भाग्य में केवल पुत्र थे। आपके भाग्य में केवल पुत्र थे, तो पुत्री कैसे हुई? तो पुत्री कैसे हुई? इस कुंडली के अनुसार आपकी दोनों पत्नियों के एक-एक पुत्र जीवित हैं। एक-एक पुत्र जीवित हैं। देवकी, गुरुदेव, गुरुदेव मैं कुछ कैसे? कहने की आवश्यकता नहीं है राजन। मैं जानता हूं मेरे प्रश्नों के उत्तर कहां मिलेंगे। कौन से प्रश्न और कैसे उत्तर? किस बारे में बात कर रहे हैं ये लोग? जो भी बात कर रहे हैं वो मुझे सुनाई क्यों नहीं थी? सही समय की प्रतीक्षा कीजिए राजन, आपके दोनों कार्य पूर्ण होंगे। अब आप निश्चिंत होकर जाइए और प्रसन्नता मनाने की तैयारी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम। सच्ची? पहले नारायण को धन्यवाद दो कि लल्ला को सूचना दूं? कुछ समझ में ना आ रहा। लल्ला मैं अभी आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नारायण। अब शीघ्र ही मेरे लल्ला और उसके दाऊ को उनके नाम मिल जाएंगे, वो नाम जिससे वे पूरे संसार में पहचाने जाएंगे। अब लल्ला को बताती हूँ। लल्ला, तू जैसे ही 100 दिवस का हो जाएगा, तेरा और तेरे दाऊ का नामकरण हो जाएगा। हाँ हाँ, किंतु आपने तो बताओ ही ना, हम इन दोनों को मिलवा कब सकते हैं? क्या देख रहे हो, बताओ तो। यशोदा, पंडित जी ने कही कि दोनों भाइयों को मिलवाने के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता ना है, तो हम चाहे तो इन्हें आज भी मिलवा सकते हैं। लल्ला सुनो, तूने तो आज ही अपने दाऊ से मिल सकते हो। मैं अभी सारी तैयारियां करती हूँ, भव्य मिलन होगा गोकुल में, भव्य मिलन। कुंडली के अनुसार इन दोनों के 8 पुत्रों में से 2 जीवित बचे हैं। पहला तो रोहिणी पुत्र है, और दूसरा कौन है? और वो कन्या कौन थी जिसे कंस ने मारा था? वासुदेव की कुंडली में अभी तक पुत्री योग बना ही नहीं है। तू
संभाल, काल तेरा अवतरित, रूप है उसका उपाल। आधी रात को इस तरह से उठकर बैठे हुए हैं आप स्वामी, मैं ये तो नहीं जानती कि किस बुरे स्वप्न ने आपकी नींद छीन ली है, परंतु इतना अवश्य जानती हूं कि जो सूचना ये गुप्तचर लेकर आया है, इसे सुनकर आप रात भर सो नहीं पाएंगे। क्या सूचना है? महाराज, उत्कच मारा गया, उत्कच मारा गया, उत्कच मारा गया। सूद बूद खो गए हो क्या? आपने जो दिखता ही नहीं उसे मारा कैसे जा सकता है? इसने स्वयं देखा था महाराज, जिस शकट में समाकर शक्तासुर उस बालक को कुचलने वाला था, आपके शत्रु ने उसी शकट को चकनाचूर कर दिया। महाराज क्षमा। लगता है आपके सैनिक और तलवार दोनों की धार कुंद पड़ गई है महाराज। इस तलवार की धार पर अब तभी विश्वास दृढ़ होगा जब ये उस बालक के रक्त से स्नान कर लेगी। और कैसे, कैसे? कैसी लगी तुझे दाऊ से मिलने की तैयारी? बहुत अच्छी है मैया, पर उससे भी अच्छी है वो प्रसन्नता जो इस मिलन के उत्साह में मुझे आपकी आंखों में दिख रही है। यशोदा, तुमने तो दो भाइयों के मिलन को भी त्योहार बना दिया। हाँ तो ये किसी त्योहार से कम थोड़ी ना है। ये शुभ दिन दोनों भाई के मिलन को पूरा गांव देखेगो। तो फिर अब बड़ी मैया को बुलाओ ना मैया। यशोदा जी, रोहिणी जीजी इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा रही है? इतने दिवस से छुपा के रखे लल्ला को, अब तो शीघ्रता करनी चाहिए ना, है ना भाभी? प्रतीक्षा अवश्य की है, किंतु फल भी तो मीठा मिलेगा। होंगी रोहिणी जीजी। जीजी, कहीं उन्होंने अपना विचार तो ना बदल दियो। कितनी शीघ्र चिंतित हो जाते हो आप सब, देखो आ रहे हैं वो। लाल छुपा रखने को विवश थी नियति की सताई, भूल के भय माज प्रभु की, जग सम्मुख है तो, कितनी मधुर मुस्कान है। हाँ, और आंखें कैसी गंभीर और गहरी है। अरे अरे, ये तो हमारी नीलमणि की तरह सुंदर भी है। सही कह रही है तू, और कितना प्यारा भी है। और कितना पल्साने में लग रहा है ये। हाँ, तो देखो इसके
बिल्कुल लाल लाल टमाटर की तरह। देखो तो दाऊ आए नहीं कि ये सब की सब मुझे भूल ही गई। अरे हटो सामने से, मुझे भी तो देखने दो। मैया सहायता करो ना। चलो हटो सब, हटो 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 सामने से। चलो दोनों भाइयों को एक दूसरे से मिलने तो दो। जे तेरे भैया, तेरा दाऊ। जी भर के बातें करो और निहारो एक दूसरे को। लाओ जिंजी, आजा। जे रहे तेरे दाऊ। आओ जिंजी। स्वागत है दाऊ, कितनी प्रतीक्षा के बाद अब जाकर आपसे भेंट हुई है। क्या हुआ दाऊ, मुझे पहचान नहीं पा रहे? कितनी देर लगाओगे दाऊ, अब तो पहचान लो, छोटा भाई हूँ आपका। प्रभु को भक्त शेष की आंखें है भर आई, भावुक हरी भी निहारे की अब मिलन की बेलाई। प्रभु आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। प्रभु नहीं, छोटा भाई पुकारो शेष। ये कैसे संभव है, आप नारायण हैं, मेरे प्रभु। ये जानते हुए भी मैं आपसे बड़ा कैसे बन सकता हूँ? हर दुविधा की तरह इसका भी समाधान है शेष। अब तो हम एक दूसरे से मिल भी चुके हैं, पृथ्वी पर हमारा सूत्र जुड़ चुका है, इसलिए समय के साथ तुम ये भूल जाओगे कि तुम्हारा ये भाई मेरा ही अवतार है। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? वही जो आवश्यक है, नहीं तो तुम नीलमणि के बड़े भाई होने का कर्तव्य कैसे निभाओगे? कैसे डांटोगे मुझे? और बड़े होने के नाते मुझ पर अधिकार कैसे दिखाओगे? पर प्रभु, पर किंतु परंतु ये सब भूल जाओ शेष। आज से इसी क्षण से मैं हूं तुम्हारा छोटा भाई और तुम मेरे ताऊ। मैं हूं तुम्हारा छोटा भाई और तुम मेरे ताऊ। नारायण नारायण दाऊ। दोनों इतने सुंदर लग रहे हैं, मेरी तो दृष्टि भी ना हट रही इससे। कहीं मेरी ही दृष्टि ना लग जाएगी।
तो प्रतिदिन की कथा है दाऊ। हे नारायण, मेरे कानों से तो अभी से रक्त निकलने लगा। आदत डाल लो दाऊ, अब तो सहना ही पड़ेगा। वो देख रहे हो सुलक्षिणा चाची, सबसे अधिक चतुर यही है। केवल अधिक चतुर ही नहीं नीलमणि, बहुत अधिक सयानी भी है ये। बिल्कुल सही पहचाना दाऊ, पर आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा इन सबको। देखो तो जिज्जी, इन दोनों की दृष्टि एक दूसरे से ऐसी चिपक गई है कि अब हटने का नाम ही ना ले रही। जे सूचक है उस प्रेम के बंधन का, जिसमें जे दोनों भाई आज के बाद सदा के लिए बंध जाएंगे। मुझसे भूल हो गई यशोदा, मैंने इन दोनों को पहले ही मिलवा देना चाहिए था। मैं कहती थी ना आपसे। आई मैं। क्या सोच रहे हो ऐसे खड़े खड़े? देख रहा हूं दोनों भाइयों का जो मिलन किसी त्योहार से कम थोड़ी ना। सही कहा था तुमने। सुना ना तूने जो गोपिया क्या कह रही थी कि नीलमणि का दाऊ कितना बलशाली है। इसका तो यही अर्थ हुआ ना कि नीलमणि अपने दाऊ जितना बलशाली ना है। अब समझा मैया कि आज मुझसे इतना व्यायाम क्यों करवाया जा रहा है। पर मुझे पता है मेरा नीलमणि सबसे अधिक बलशाली है। उज्जवल ने कही थी ना, नीलमणि ने उड़ा दिया था काले कौवे को मथुरा की ओर। और उज्जवल ने तो ये भी कही थी कि नीलमणि ने अपने पांव से सकट पे प्रहार भी किया था। कैसे किया था प्रहार? ऐसे किया था। लग गई मैया को। कैसे किया था? फिर से बता कैसे किया था। मेरे लल्ला में कितना बल है, मैया को ही धकेल दियो पीछे। अच्छा ही है कि आप उज्जवल के कहे को गंभीरता से नहीं ले रही, नहीं तो आपका ये रूप मैं कैसे देख पाता मैया। फिर से बता कैसे मारा था। लल्ला तू बड़े के जैसे कब से हंसने लगो। आप यहाँ क्या कर रहे हो? छुप छुप के मैया और लल्ला को खेलते हुए देखने के अतिरिक्त और कोई कार्य ना है आपके पास? कार्य तो है, पर यह अधिकार भी है कि मैं अपनी बड़ी सी पत्नी को अपने छोटे से लल्ला के साथ छोटे बालकों की तरह व्यवहार करते हुए देखूं। हाँ? अब देख लियो ना, अब जाओ अपना कार्य करो। कार्य तो कर लूंगा, परंतु मेरा पेट मुझसे कह रहा है कि इसे भूख लगी। भूख लग गई? भोजन का समय हो गया? अभी लगाती हूँ भोजन। हाँ
क्या हुआ लल्ला, इतना उतावला क्यों हो रहे तू? तुझे भी भूख लगी आई है क्या? सच्ची में भूख लगी आई है कि मंद मंद मुस्कुरा के मैया को बांधना चाहता है? तनिक रुक जा, तेरे बाबा को भोजन परोस के यूं गई और यूं आई। मेरा अच्छा लल्ला, आई आज केवल रोटी है खाने में? ना, दाल है ना, तरकारी भी है, दही है, लड्डू भी है। तो दाल ले आओ। अभी लाई है। बस से भूख ही लगी होगी उसे। यशोदा, दही नहीं दाल। क्षमा करना, भूल हो गई। यशोदा, दाल दाल। अब ऐसे क्या देख रहे हो? बोला ना भूल हो गई, सब मिला के खा लो, पेट में तो मिलना ही है। थोड़े चावल मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। लड्डू नहीं चावल। क्या रहे हो जी? आज व्यायाम भी बहुत कस के करवाओ था मैंने, कहीं अधिक भूख तो ना लगी होगी। सच्ची है सुधा, बिल्कुल ना बदली तू। पहले रामू की चिंता में व्याकुल रहती थी और अब हम नीलमणि में तुम्हारा मन लगा रहते। हाँ तो लल्ला भूखा हो और मैया का मन व्याकुल भी ना हो, ऐसा हो सकता है भला? फिर तो दूध पिला दो ना उसको। जाऊं? शीघ्र जाओ। किंतु आप तो खा रहे हो ना पते थे। वही तो यशोदा, मैं खा रहा हूं किंतु वो भूखो है। जाओ। ठीक है। यहाँ थे तो लल्ला की भूख के लिए चिंतित थे, अब वहां जाएगी तो पक्का मेरे भोजन के बारे में चिंता करेगी। कहीं आधे ही भूख में ना उठ जाए तेरे बाबा, उन्हें कुछ और चाहिए होगा तो। सही कहा था बाबा ने, वहां मेरी चिंता थी, यहाँ बाबा की चिंता है। सच्ची मैया, अनोखी हो आप। अरे इतने से पेट भर गया तेरा? ना, जे वाली मुस्कुराहट तो मत ही दिखा मुझे, इतनी शीघ्र तेरा पेट भर ही ना सकता। मैया जानती है अपने लल्ला की भूख। ये क्या है लल्ला? जे क्या था तेरे मुंह में? दिखा दिखा। अब फंस गया मैं, मैया बाबा को सब कुछ बता देंगी और राय का पहाड़ बन जाएगा, फिर कैसे संभालूंगा इन दोनों को? ऐसे लगो जैसे 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 पूरा का पूरा ब्रह्मांड
ब्रह्मांड, लल्ला के मुंह में। अच्छा तुम मेरा मुंह देखो। हाँ सोदा। मुझे पतो था आप मेरा उपहास उड़ाओगे। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम देखो तो सही। ब्रह्मांड ना सही, गोकुल तो दिखना चाहिए। अरे गोकुल को राजा हूं मैं, है के ना? है? देखो अरे देखो तो। धन्यवाद बाबा, आपने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए अब मैया भी नहीं लेंगी। आज तो बचा लिया आपने। आज के बाद ना आपको कुछ बताऊंगी ही ना। आप जाओ नामकरण उत्सव की तैयारी करो। और हाँ, इस बार भी उत्सव छोटा ही करना है, जे तो मत ही बोलना आप। हाँ अब इसे कैसे समझाऊं कि हम कोई भी उत्सव बड़ा ना कर सकते, व्यर्थ ही कंस की दृष्टि पड़ जाएगी हम पर। लगता है आपके सैनिक और तलवार दोनों की धार कुंद पड़ गई है महाराज। महाराज मुझे भय था कि कहीं ऋषि गर्ग मुझे श्राप ना दे दे। तो श्राप से भयभीत हो गए दुर्जन, किंतु कंस तो कोई श्राप नहीं देता, सीधा मृत्यु देता है। ऐसा न करें महाराज, दया करें दया निदान। यदि मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध भीतर जाने की कोशिश करता तो जितनी सूचना मुझे मिली है उतनी भी नहीं ला पाता। तब आपको कैसे पता चलता महाराज कि आपकी बहन और बहनोई मात्र अपनी मृत संतानों के श्राद्ध के लिए बाहर नहीं गए थे? आगे बोलो। पूरी तरह तो नहीं सुन पाया महाराज, किंतु मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है महाराज, राजकुमारी देवकी ने ऋषि गर्ग के हाथ में कुछ दिया था। ये सत्य है महाराज, और ऋषि गर्ग ने उन दोनों को वचन भी दिया था। सही समय की प्रतीक्षा कीजिए राजन, आपके दोनों कार्य पूर्ण होंगे। महाराज मैं आपका सबसे विश्वसनीय सेवक हूं, आपके हर आदेश का पालन करना मेरा अधिकार है, और मैंने अपने अधिकारों का पालन किया भी है महाराज, किंतु फिर भी यदि मेरी ओर से कोई भूल हुई हो मुझे क्षमा करे दया निदान, मुझे क्षमा करे। इसका अर्थ है कि उत्कच सही कह रहा था, वो दोनों अवश्य ही कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे विरुद्ध। समय आ गया है, अब मुझे किसी ऐसे की खोज करनी होगी जो उतना ही शक्तिशाली हो जितने की मेरी ये तलवार। अभी से पुकारने लगो जी, अभी तो आई हो रसोई में। शीघ्र ही तुझे भी अपने बाबा का हाथ बटाना पड़ेगो, समझ रहे है ना? बटाएगो ना हाथ? अभी जो 100 दिन का भी ना हो और जे इस नन्हे से बालक को काम काज का भार सौंपने की बात करने लगे। काम का नाम सुनते ही मुख से स्वर ना निकल रहे तेरे, अभी तो बड़ा ऊ कर रहा था। बता हाथ बटाएगो के ना? अरे बता ना।
कल तू पूरा 100 दिन को हो जाएगा लल्ला। पंडित जी आएंगे, तुझे नया नाम मिलेगो। देखो तो मन में तो इनके भी कितना उत्साह भरो है, बस दृष्टि में मैं ही आती हूँ। पर कल तुझे वो नाम मिलेगा लल्ला, जिससे पूरा संसार तुझे पहचानेगा। लल्ला कितना कार्य शेष है और तूने मुझे बातों में लगा लियो। मुझे क्यों फंसा रहे हो बाबा? छुपाने की कोई आवश्यकता ना है, जितनी उत्साहित मैं हूँ उतने ही उत्साहित आप भी हो इसके नामकरण को लेके, पता है मुझे। लल्ला के नामकरण पे उसके बाबा उत्साहित ना होंगे? बिल्कुल होंगे, इसीलिए तो कह रही हूँ, अपना उत्साह बांटो अपने लल्ला के साथ, मैं अभी आई। अच्छा, ऐसे तो तुम लल्ला को छोड़ के कहीं ना जाती, अभी कहाँ चली? रोहिणी जिज्जी के पास, और कहाँ। लल्ला और उसके दाव के नामकरण की तैयारी करनी है कि ना, कितने लोगों को आमंत्रित करना है, कितने प्रकार की मिठाइयाँ बनानी है, ढोल वाले को कितने बजे का समय देना है, ये सब सुनिश्चित करना है ना, ताकि ये उत्सव गोकुल का सबसे बड़ा उत्सव हो। अरे सूची देनी है जिज्जी को। सबकी कोई आवश्यकता ना है। आवश्यकता ना है मतलब, कहना क्या चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि यशोदा, सत्य तो ये है कि हमें दुख में ना अत्यधिक दुखी होना चाहिए और ना सुख में अत्यधिक उत्साहित। प्रसन्नता कितनी भी क्यों ना, हमें उत्सव संयम से ही मनाना चाहिए। इतने वर्ष संयम ही तो रखा था ना नंद जी, ये समय संयम का ना आनंद से बावले हो जाने का है। यशोदा, हम आयोजन छोटा ही करेंगे, मैं कुछ सोच समझ कर ही तो कह रहा हूँ। पर क्यों, मुझे भी तो समझाओ। हर बात समझाने की ना होती यशोदा। अच्छा, पति पत्नी में भेद हो तो है? ठीक, मैं कोई भेद ना रखूं, जो भी अब तक मैंने तुम्हें ना बताया है वो सब बताऊं। ओहो, क्या कर रहे हो बाबा, कंस के बारे में कुछ बता मत देना मैया को। वो मंगला है ना, उसने आज शाम को ही बछड़ा दियो और भाद्रपद का मास लगभग बीतने को ही है, तो धीरे धीरे शरद ऋतु आ जाएगी, दूध की हानि भी कम हो जाएगी। हा? और वो सरजू है ना, उसको बैद जी ने पूरे पखवाड़े का विश्राम के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि वो ठाट से गिर गए थे और गिरते समय उसे भीतरी चोट लग गई थी। अरे और... बस बस बस, ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, इसका नामकरण से क्या संबंध? तुम्हें तो कहीं ना कि पति पत्नी के बीच में कोई भेद ना होता, तो मुझे जो भी बात पतो है मैं तुम्हें बताऊंगा। कितनी समझदारी से बात बदल देते हो आप, और भोली भाली मैं आपकी बातों में आ जाती हूँ और इस सब में असली बात तो रह जाती है, किंतु आज बात मेरे लल्ला की है। उत्सव तो विशाली होगा और इस बारे में कछु और ना सुनूंगी मैं। आप लल्ला का ध्यान रखो, मैं जा रही हूँ रोहिणी जीजी के पास। यशोदा, बात केवल सुनने की ना होती, उसे समझना भी पड़ता है। विश्वास है ना मुझ पर, मैं कुछ सोच समझ कर ही कर रहा हूँ ना। उत्सव तो छोटा ही होगा। क्षमा करना लल्ला, तेरी मैया को डांटना पड़ गया। आपको मेरी सुरक्षा की चिंता है बाबा, समझता हूँ मैं, इसलिए आपने ये निर्णय लिया है। समझ में नहीं आता, कब कौन सा निर्णय क्यों लेते हैं आप?
यदि कंस को समझना इतना आसान होता तो कंस कंस नहीं होता। ये नया सिंहासन उसके लिए है जो मेरा विश्वास पात्र बनेगा, मेरे दाहिने हाथ की तरह, मेरे मन के सबसे निकट होगा वो। मंत्री परिषद में विशेष स्थान की प्राप्ति होगी, मेरे बाद पूरे राज्य के लिए उसी का वचन होगा शासन। किंतु ये अधिकार केवल उसे प्राप्त होगा जो मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य करेगा वो। इसलिए जाओ, कह दो सभी बाहुबलियों को, महाबलियों को, दैत्यों को, दानवों को, प्रेतों को, पिशाचों को, सभी को ये सूचना दे दो। ना ना ना, ना। सूचना नहीं, चुनौती दो कि यदि साहस है तो आए, मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो और इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त कर ले। जाओ। और हां, ये अवश्य कहना कि केवल वही आए जिनके हृदय में साहस का ज्वालामुखी धधकता हो, जिनकी तलवारें पर्वतों का सीना चीरने को व्याकुल हो, जिनकी संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ हो कि मृत्यु से टक्कर ले लें। कायर नहीं चाहिए मुझे। जाओ। महाराज, आप जिसे भी ये विशेष पद देंगे, भविष्य में यदि वही हमारे शीश पर बैठ गया तो क्या करेंगे आप? पहले ऐसा कोई योद्धा सामने तो आए अस्ति जो उस विष्णु के अवतार का संहार कर सके। और जहां तक प्रश्न है हमारे शीश पर बैठने का, तो स्मरण रखो अस्ति, कंस को अच्छी तरह आता है ऐसे तो साहसियों को बीच दरबार में खड़ा करके अपनी उंगलियों के संकेत पर नृत्य करवाना। ता दीर्घ ता। और अपना कार्य सिद्ध होने के बाद उनके तन से उनके शीश को उतारना। कंस को भली भांति आता है। मुझे 100 दिन का होगा हुआ तो लल्ला, कम से कम 100 व्यक्ति तो आने चाहिए थे ना तेरे और तेरे दाऊ के नामकरण में। हाँ, अब तुम मुस्कुरा क्या रहो है? तू ही बता, जे भवन देख के लग रहो है कि यहाँ कोई उत्सव है? बिना अतिथियों के कैसा उत्सव और कैसा आनंद, तू ही बता। पर मैं करूं भी तो क्या? पता है लल्ला, मुझे तो लग रहा है तेरे बाबा ना कंजूस होगा। मैं नहीं तो भला और क्या समस्या हो सकती है उन्हें बड़े आयोजन से? अरे, गोकुल के राजा का लल्ला है तू, राजकुमार। यदि तेरा आयोजन बड़ा ना होगो तो भला किसका होगो? मेरी भूल है, मैं भोली हूं इसीलिए व्यर्थ में तेरे बाबा की बातों में आ गई। मैं भोली हूं ना, व्यर्थ में उनका कहा मान गई। किंतु अब ना मैं कोई मांग रखूंगी, ना मैं उनसे बात करूंगी। और कहे देती हूं लल्ला, सावधान जो इस बार तू बीच में आया तो, हाँ नहीं तो।
क्या होगा? हाँ, सब ठीक तो है ना? आप इतनी चिंता में क्यों हो जी? कुछ बुरी सूचना तो ना मिली? अब जे मत भी कहना कि जे भी मुझसे छुपाना पड़ेगा। जो भी है मुझे बताओ। पंडित सदानंद जी महाराज, वो नामकरण के लिए ना आ सके। उनकी बिटिया के पांव भारी, उसे लिवाने वो समझाने गए। छे तो सुख समाचार है। किंतु मेरे लल्ला का नामकरण अब वो सही मुहूर्त पे कैसे होगा? वही तो समझ ना आ रहा। ऐसे मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है मैया बाबा। आप दोनों तो स्वागत की तैयारी करो, आ रहे हैं वो। लो, आ गए वो जिनकी मुझे प्रतीक्षा थी। आप दोनों व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे। अब कौन करेगा मेरे लल्ला का नामकरण? ऋषि गर्ग, नंदराज, रानी भाभी, महान ऋषि गर्ग हमारे गांव में पधारे हैं। ऋषि गर्ग गोकुल में? हाँ नंदराज, और कह रहे थे उन्हें यादव राज वासुदेव जी ने भेजो है रानी जी के पास। अरे तो तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ उनके सत्कार की तैयारी करो। जी यशोदा, उनके स्वागत की तैयारी करो। सुनो जी, वो तो यादवों के कुलगुरु है ना, तो ही नहीं जीजी के यहाँ आए हैं, हमारे यहाँ आएंगे। आप देखती जाओ मैया, वो सीधे हमारे घर ही आएंगे। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं उस भवन की ओर क्यों बढ़ा जा रहा हूँ? क्योंकि आपके यहाँ आने से ही मेरी मैया बाबा की चिंता समाप्त होगी ऋषिवर। ये बात तो मैं न जानता, परंतु मुझे जाकर उनको स्वागत करना चाहिए। गुरुदेव, कल्याण हो। भगवान श्री नारायण के महान भक्त आज हमारे गांव में पधारे, हमारा जीवन सफल है गया आज। वो भवन आपका है नंदराज? आपके शुभ चरण पड़ेंगे तो हमारा जय भवन पवित्र हो जाएगा। इतने बड़े ऋषि अगर हमारे घर पधारेंगे तो हमारे तो भाग्य सवर जाएंगे। मैया आपके दर्शन को तरस रही है ऋषिवर, संकोच मत कीजिए, अब आप ही जाइए। पधारिए गुरुजी। न जाने क्यों मेरे पांव अपने आप ही आपकी भवन की तरफ जाने को व्याकुल है नंदराज। पधारिए गुरुदेव, आइए। कल्याण हो। पधारिए। आया तो था मैं रानी रोहिणी के भवन में, पर पता नहीं कैसे यहां खींचा चला आया। विराजिए गुरुदेव। महाराज,
आप इसे भी रोहिणी जिज्जी का ही घर समझिए, मैं अभी बुलाकर लाती हूँ। महाराज, ये हमारा सौभाग्य है कि आपने यहाँ आना स्वीकार किया। कहिए, क्या सेवा करूं मैं आपकी? मुझे आपके भाई वासुदेव ने भेजा है नंदराज। प्रणाम गुरुदेव। स्वामी जी ने आपसे इतनी दूर आने का आग्रह किया है, अवश्य ही कोई बड़ा कारण होगा। कारण तो है, आपके पुत्र का नामकरण करने आया हूं मैं यहाँ। ऋषिवर, तब तो आप अत्यंत ही शुभ दिन पधारे। आज का ही मुहूर्त निकलो है भाभी के लल्ला और हमारे लल्ला के नामकरण के लिए। हम तो पंडित जी गांव से बाहर है, इसीलिए आप अब तो आप यहाँ आ गए हो, आप हमारे भी लल्ला का नामकरण कर दो ना। पुत्री, ये क्या कह रही हो तुम? पहले की गड़बड़ हो जाए, अपनी नमस्कार मुद्रा को आशीर्वाद मुद्रा में बदल दीजिए। बात को समझिए, मैंने ये अवतार मैया और लल्ला के अद्भुत संबंध का अनुभव करने के लिए लिया है, पर आपकी भावुकता के कारण यदि मैया को मेरा सत्य पता चल गया तो ये संबंध ही बदल जाएगा। अब आप सब कुछ जान चुके हैं ऋषिवर, इसलिए अब मेरे सामने हाथ जोड़कर मेरे सत्य को उजागर मत कीजिए। अपने शिष्य वसुदेव के पुत्र के रूप में मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऋषिवर, आप मौन क्यों हैं? और आपकी आंखों में आंसू, सब कुछ ठीक है ना? अब तो आप हमारे लल्ला का नामकरण करोगे ना? इन दोनों का नामकरण करना मेरा सौभाग्य होगा पुत्री। परंतु ये गोपनीय रूप से करना होगा। अवश्य ही स्वामी का आग्रह होगा, ताकि कंस की बुरी दृष्टि हमारे पुत्र पर ना पड़े। ये तो बहुत महान ऋषि हैं, इन्हें कंस के अत्याचारों के बारे में अवश्य पता होगा। अपनी संतान का नामकरण संस्कार करना एक माँ के लिए उत्सव से कम नहीं होता है, पर यह छुपकर करना होगा। आप दोनों को स्वीकार तो है ना? जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। स्वीकार है गुरुदेव, तो फिर कहाँ करना है हमें नामकरण का प्रबंध?
गुरुदेव, मंदिर सही रहेगा? उससे पवित्र स्थान तो हो ही नहीं सकता है। ऋषिवर, आप तनिक विश्राम कीजिए, हम लोग प्रबंध करते। मैं कुछ समय इन बालकों के साथ व्यतीत करना चाहूंगा। ये तो इनका सौभाग्य होगा, हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु, स्वयं भगवान होकर भी आपको बंदी गृह में जन्म लेना पड़ा। अब अपनी माँ को छोड़कर दूसरी माँ के यहाँ पलना पड़ रहा है। जब से गोकुल आए हैं, छुप छुप कर रहना पड़ रहा है। इतनी नन्ही सी अवस्था में दुष्ट कंस के इतने ही आक्रमणों का सामना कर चुके हैं आप, और जिस उत्सव में सभी सप्तऋषियों और सभी देवी देवताओं को साक्षी बनकर आना चाहिए, उस नामकरण उत्सव को यहां एकांत में करना पड़ रहा है। क्यों प्रभु, इतने कष्टों को सहकर ये अवतार क्यों लिया है आपने? दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, और सबसे अधिक मैया की ममता का अनुभव करने के लिए। पर इसके लिए इतने कष्ट? मानव जीवन लिया है तो कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे ऋषिवर। मानव जीवन की आंच जला रही है, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं प्रभु, ये कैसा अनोखा अवतार है। आंच में जलकर भी यदि मैं नहीं मुस्कुराऊंगा तो अपने भक्तों को क्या शिक्षा दूंगा मैं? आज एक कंस का प्रकोप है, भविष्य में सहस्रों कंस होंगे, और आने वाले युगों में होंगे अनगिनत कंस। उस समय मेरे भक्तों को पता होना चाहिए कि अपने कष्टों को कैसे सहना है और धर्म के पथ पर अडिग कैसे रहना है। आप धन्य हैं प्रभु। देखा अस्ति, जब सिंह दहाड़ता है तो वन के सभी जीव जंतु इकट्ठे हो ही जाते हैं। वो सब जो मेरा विश्वास पात्र होने का अधिकार और ये सिंहासन पाना चाहते हैं सामने आए। बुद्धि के बिना बल अपंग होता है महाराज, और मेरे पास बुद्धि और बल दोनों हैं। आप केवल आदेश दीजिए किसका संहार करना है। सारी तैयारी हो गई। बोलो। आप गुरुदेव को बुला लो, मैं रोनी जिज्जी और बालकों को ले आती हूँ। यशोदा, तुम रुष्ट तो ना हो ना मुझसे। मैं भला रुष्ट क्यों होने लगी? नहीं, तुम जो उत्सव बड़े धूमधाम से करना चाहती थी, और बहुत प्रसन्न हूँ मैं कि हमारे लल्ला का नामकरण स्वयं ऋषि गर्ग पूरे विधि विधान से कर रहे हैं। मैं समझ गई, उत्सव बड़ा हो या ना हो प्रसन्नता बड़ी होनी चाहिए। अरे मैं तो इतनी उत्साहित हूँ कि दोनों भाइयों का नामकरण आज के शुभ मुहूर्त पे हो रहा है। तो इससे पहले जो बीत जाए, जाओ आप ही बुला लो। यहाँ सब के सब एक से बढ़कर एक है, तो फिर अपने कार्य के लिए किसका चुनाव सबसे पहले करूं? मेरा सामर्थ्य तो आपने अभी तक देखा ही नहीं महाराज। चुटकी बजाकर शत्रुओं का विनाश कर सकता हूं मैं। वाह,
किंतु आपने तो बताया ही नहीं कि करना क्या है। वध, वध करना है, एक नवजात बालक का वध। उसे साधारण बालक मत समझना। गोकुल में नंद के घर पल रहा वो बालक विष्णु का अवतार है। क्या हुआ इतना सन्नाटा क्यों छा गया? क्षमा कीजिए महाराज, पर मैं नन्हे बालकों के साथ हिंसा नहीं करता। कृष्ण अवतार बड़ा छलिया है महाराज, मैं उसका मुख भी नहीं देखना चाहता। जाने दो इन्हें, वैसे भी इस सिंहासन के लिए मुझे कायरों की कोई आवश्यकता नहीं। जाने दो। दुर्जन, क्या कहा था मैंने? मैंने कहा था केवल वही आए जिनके हृदय में साहस का ज्वालामुखी धधकता हो, जिनकी तलवारें पर्वतों का सीना चीरने के लिए व्याकुल हो, जिनकी संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ हो कि वो मृत्यु मृत्यु से टक्कर ले जाएं। वही होगा इस सिंहासन का असली अधिकारी। महाराज, ना तो आपके दिए इस सम्मान का कोई मूल्य रह गया है और ना ही आपके भाई का। अभी अभी आपने ही कहा था ना कि जब वन में कोई सिंह दहाड़ता है तो उस वन के सभी जीव जंतु एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, परंतु उसी वन में जब कोई बब्बर सिंह दहाड़ता है तो वही जीव जंतु भय के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। निश्चित ही वो बालक इन सब के लिए बब्बर सिंह बन चुका है। उसका भय हमारे साम्राज्य की नींव हिला रहा है महाराज। हे नारायण, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे माँ सरस्वती, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं दोनों बालकों के लिए सर्वोत्तम नामों का चुनाव कर पाऊं। आपके पुत्र को बड़े भाई के कर्तव्य का निर्वाह करना है और इस दायित्व को प्रभु श्री राम से अच्छा किसने निभाया है? जैसा अटूट संबंध उनका अपने भाइयों के साथ था, मैं श्री नारायण से प्रार्थना करता हूं कि वैसा ही प्रेमपूर्ण संबंध इसका भी अपने छोटे भाई के साथ हो। इसीलिए इसका नाम राम, राम इसीलिए इसका नाम राम, राम इसीलिए इसका नाम राम। बड़े भाई में आदर्श न्याय संकल्प बल के साथ साथ शारीरिक बल भी होना चाहिए। मैं देख पा रहा हूं ये बालक इन सब बलों के लिए जाना जाएगा, इसलिए जो नाम इसके व्यक्तित्व के लिए सबसे उचित है वो है बलराम। बलराम, बलराम।
अल्लाह। तो फिर उसका नाम बल बल राम रखना। कैसा अद्भुत संयोग है रिसीवर, जब इसके जन्म की सूचना देने मैं वसुदेव भैया के पास मथुरा गया था तब उन्होंने भी यही नाम रखा था, बलराम। ये संयोग नहीं नारायण की इच्छा है नंदराज, बलराम से अधिक उपयुक्त नाम इस बलराम के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता है। पर मैं तो दाऊ कहकर ही बुलाऊंगा इन्हें, बल दाऊ। सुना पुत्र, आज से तुम्हारा नाम होगा बलराम। बलराम, 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 बलराम। गुरुदेव, कितना अद्भुत नाम दियो है आपने से। अब मेरे लल्ला को भी ऐसा ही कोई उत्तम सा नाम दे दो। ये कठिन दायित्व आपने ही मुझे सौंपा है प्रभु, इसे निभाने की क्षमता भी आप ही दीजिए। कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण कोई साधारण शब्द नहीं है, ये अनेक विशेषताओं से भरा हुआ है। क क बना है कमलकान से, अर्थात वो जो श्रीपति विष्णु जैसा हो।
री, री की उत्पत्ति हुई है श्री राम से, अर्थात वो जो सबके हृदय में बस जाए। श, ऐश्वर्य के स्वामी विष्णु के लिए, अर्थात वो जो समृद्धि लेकर आए। और ना, ना है नरसिंह के लिए, अर्थात वो जो रक्षा करे। और अंत में आकार की मात्रा सूचक है अग्निदेव का, अर्थात वो जो स्वयं तप कर सबको पवित्र कर दे। आज से तुम्हें सारा संसार जिस नाम से पहचानेगा, वो नाम है कृष्ण, वो नाम है कृष्ण, वो नाम है कृष्ण, वो नाम है कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण। असुरी कार्य करने वालों के लिए कृष्ण नाम का अर्थ एक और भी होगा, वो घनी अंधेरी रात जिसमें इसने जन्म लिया। पर इससे जो प्रेम करते हैं उन सभी के लिए कृष्ण नाम का अर्थ होगा अतुलनीय सुंदरता और अथाह प्रेम। इन दोनों विशेषताओं का साक्षात स्वरूप होगा ये कृष्ण।